असल के मेरे नई वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कंगना रनौत। आप जानते हैं कंगना रनौत हमेशा कंट्रोवर्सी पैदा करती है दोस्तों, अनाप सना बयान देती है। बेसिकली अभी कंगना रनौत आपको पता है कि भाई चुनाव लड़ रही है, लोकसभा के चुनाव लड़ रही है। बेसिकली मंडी से चुनाव लड़ रही है, लोकसभा से चुनाव लड़ रही है और मंडी लोकसभा से चुनाव लड़ रही है बेसिकली। लेकिन आपको पता है कंगना रनौत कहीं से भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कंट्रोवर्सी पैदा करना उनकी उनकी फितरत है। अनाप सनाप बयान देना उनकी फितरत है, तभी नरेंद्र मोदी को भगवान बताती है। और अब भाई अब नया बयान दिया जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, वैसे वो कुछ भी बयान दे सकते, उनकी मर्जी है भाई, वो कंगना है, वो कुछ भी बयान दे सकती है। बयान देने पर उनका कोई रोक नहीं है यार। वो बेसिकली उन्होंने बयान दिया है कि वो एक्टिंग के मामले में चाहे वो मणिपुर चले जाए, असम चले जाए, राजस्थान चले जाए, हरियाणा चले जाए, पंजाब चले जाए, गुजरात चले जाए, उन्होंने कहा है कि वो किसी भी स्टेट में जा सकती है। हमेशा उनको बहुत अधिक मान और सम्मान मिलता है। तो हमें पता है अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है, कि उनको कितना मान और सम्मान मिलता है। कंगना रनौत आपको पता है कि पिछले लंबे समय से एक सक्सेस मूवी के लिए तरस रही है। कंगना रनौत की एक फिल्म भी भाई सफल नहीं हुई है लगभग आने वाले पिछले 4-5 सालों से। एक उनकी अभी जो तेजस फिल्म आई थी उसका डिजास्टर साबित हुई थी। जो भी फिल्में आ रही है उसके लगातार बॉक्स ऑफिस में गिर रही है। दोस्तों मुझे याद नहीं है उनकी उनकी कौन सी फिल्म चली थी जिसने अच्छा खासा कलेक्शन किया था। मुझे इतना याद है कि उनकी सारी फिल्में भाई डिजास्टर साबित हुई है। यहाँ पर उन्होंने जो बयान दिया है वो ये कहा है कि एक्टिंग के मामले में अमिताभ बच्चन के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का भाई सम्मान होता तो मेरा सम्मान होता है, तो भाई बिल्कुल गलत कहा है। अमिताभ बच्चन एक लीजेंड कलाकार हैं दोस्तों, उन्होंने हर भूमिका निभाया है दोस्तों। बॉलीवुड के अंदर सबसे बड़ा सम्मान रिस्पेक्ट अमिताभ बच्चन को मिलता है और अमिताभ बच्चन के बाद अगर वो सम्मान किसी को मिलता है तो दोस्तों सबको पता है वो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान को मिलता है। दोस्तों कंगना रनौत की कोई औकात नहीं है, कंगना रनौत को अगर सम्मान दोस्तों मुझे तो लगता नहीं कोई सम्मान मिलता है। और बॉलीवुड के अंदर जगह कोई जगह नहीं बनाई, उन्होंने सिर्फ कंट्रोवर्सी करके जगह जरूर बनाई है। बाकी अगर काम की बात करूं तो भाई काम तो दूर दूर तक आता नहीं, उनको तमाम एक्टिंग भी करना भूल गई है। 2-4 फिल्मों में जरूर एक्टिंग की थी लेकिन अब तो मुझे लगता नहीं वो एक्टिंग करती है। एक्टिंग नहीं, वो नाटकखोरी करती है, ड्रामाबाजी करती है। और जहाँ तक मेरे को इलेक्शन भी वो भाई हारने जा रही है मान सकते हैं। बेसिकली अनूप सनाप जो बयान देती हैं उसके बाद लोगों ने मान लिया है कि पहले वो ऐसा बयान देती थी तो लोग ये समझते थे भाई हो सकता है कि कंगना की जो टीम है उनसे मिस्टेक हो गई है। लेकिन भाई अब लोग समझ गए हैं कि कंगना सचमुच पागल है। इस पगली को भाई कौन समझाए, मेरे तो समझ में आ नहीं आ रहा है। और बीजेपी ने ऐसे ऐसे मूर्खों को टिकट दे दिया है दोस्तों, इसने बॉलीवुड की लुटिया भी डुबो दी है और अब बीजेपी की लुटिया भी डुबोएगी। दोस्तों धन्य हो कम से कम मंडी के लोग इसे नहीं चुने, क्योंकि ये अगर इसको चुन लिया तो भाई ऐसी नाटक हो रही है आपको लोकसभा के अंदर देखने को मिलेगी। कभी ये कहती है इंडिया 2024 के अंदर आज़ाद हुआ था, कभी ये अनाप सनाप बयान देती है कि भाई मोदी विष्णु के अवतार है। दोस्तों कभी कुछ कभी कुछ। दोस्तों बॉलीवुड से इसको बायकॉट कर दिया जाए, इसकी कोई फिल्म नहीं चल रही है। और राजनीति में मुझे लगता है कि इसके लिए बायकॉट ही बचा है। बाकी आप क्या सोचते हैं जरिए कमेंट बॉक्स में।